वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली यूके स्पाउस वीजा को लेकर। यूके को लेकर काफी न्यूज आती है अभी। राइट नाउ यूके बहुत ट्रेंडिंग है बिकॉज वी ऑल नो कि कनाडा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। एंड यूके में अगर मैं बात करूँ स्पेशली स्पाउस वीजा को लेकर, तो ये काफी सारी न्यूज आई थी कि जो स्पाउस है वो साथ में जा सकते हैं, नहीं जा सकते एंड और बहुत कुछ। बट क्या इसकी रियलिटी एंड क्या क्लैरिटी है, सो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ यूके एप्लीकेशन में। क्योंकि राइट नाउ जो एप्लीकेशंस देखने को मिल रही हैं, तो वो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि स्पाउस वीजा जो है साथ में नहीं लगा रहे और ट्रैवल भी साथ में नहीं कर रहे। ऑल्दो कि जो हमारे जो स्पाउस वीजा की जो प्रायोरिटी बेसिस जो है या सुपर प्रायोरिटी बेसिस जो है, वो भी नहीं कोई ऐसी सर्विसेज अलाउड हैं राइट नाउ के लिए। स्पाउस वीजा के लिए ऐसी कोई भी सर्विसेज जो है वो अनाउंस नहीं हुई हैं। बट ये बात नहीं है कि अगर सर्विसेज नहीं है सुपर प्रायोरिटी या प्रायोरिटी, बट ऑन द अदर हैंड जो स्पाउस वीजा के जो रिजल्ट्स हैं वो 10-15 दिन में बिल्कुल इजीली आ रहे हैं। सो स्पाउस वीजा के रिजल्ट बहुत ही नॉर्मल है। ऑन दी अदर हैंड जिन लोगों ने स्पाउस वीजा में बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अपनी फाइल जो है काफ़ी लेट लगाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। और वो ये है कि जिन बच्चों का कोर्स जिन लोगों का कोर्स जो मेन हमारे स्पाउस के डिपेंडेंट होते हैं और जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, तो अगर उनका कोर्स एक साल का है और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी फाइल लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जिनका एक साल का कोर्स है और कई जो उनके डिपेंडेंट है वो ये सोचते हैं कि या 5 महीने बाद लगा देंगे या 6 महीने बाद लगा देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपका जो वीज़ा नहीं आएगा। यस गाइस, अगर एक साल का कोर्स है तो मेक श्योर कीजिए कि आपको 1, 2 या 3, 4 महीने में अपना वीज़ा दोबारा अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगा लें। अगर 6 महीने से कम का पीरियड बाकी है, तो आपकी फाइल के 100% चांसेस ये है कि आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा और आपका वीज़ा नहीं लगेगा। सो स्पाउस केसेस में एक साल, या तो आपका कोर्स जो है एक साल से ऊपर हो तो बात बन सकती है, सो दैट जो है अपनी जो आपकी फाइलिंग है वो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, जिनके 2 साल हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी फाइल लगा सकते हैं, वो 1 साल का गैप ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 6 महीने का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है कि 6 महीने से 6 महीने का गैप होना चाहिए आपके वीज़ा लगने का। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 1 महीने बाद भी लगा सकते हैं, पर वो लोग जो कि 6 महीने के गैप से कम लगा रहे हैं, जिनके कोर्स के 2 महीने या 3 महीने बाकी रह चुके हैं, तो वो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि आपका वीज़ा फिर नहीं आएगा। उसके अलावा ये जो मेन क्वेश्चंस जो होते हैं ये ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एनी हाउ जो बच्चे प्लस टू के बाद स्पाउस वीज़ा लगा के जाते हैं, उनके मोस्टली केसेस जो 2 से 3 साल के होते हैं, तो उनके केसेस में ऐसा केस जो ऐसा सिनेरियो है काफ़ी कम देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हमेशा 100% रहे हैं और अभी भी इसके रिजल्ट्स 100% ही आ रहे हैं। तो अगर आप भी स्पाउस वीज़ा लगाने की सोच रहे हैं, सो विदाउट एनी डिले अपना वीज़ा अपनी एप्लीकेशन अभी प्रोसीड करें। और इसमें कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, वही आपके 2 से 3 जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका प्रूफ, आपके एड्रेस एंड सो, यही आपका लगेगा, नथिंग एल्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने स्पाउस वीज़ा नहीं लगा रहे हैं, तो उनको ये क्लियर कट कर दूं कि जो ये रूमर्स फैल रहे हैं कि स्पाउस नहीं जा सकता बाद में साथ में यूके की गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो इस चीज़ का अभी कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ऐसा कोई क्लियर आउट नहीं हुआ है। जनवरी इंटेक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बट उसके बाद के इंटेक जो है सेफ होंगे या नहीं होंगे वी कांट से, बिकॉज काफ़ी जो है अप एंड डाउन आ रहा है यूके की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, यूके की गवर्नमेंट को लेकर। सो दिस इज़ द गोल्डन टाइम, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि आपका वीज़ा आप लगाओ, आप फाइल लगाओ तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। सो अगर आप अभी लगाते हो, सो मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज़ द बेस्ट टाइम,
क्योंकि आपका जो रेटिंग है या आपके वीज़ा के चांसेस है वो 100% है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये भी है कि आप अपने स्पाउस के साथ भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि पहले वो लगाए फिर हम लगाए या पहले वो चला जाए फिर हम चला जाए, जो कि अभी की लोग डरे हुए हैं और वो ऐसा ही कर रहे हैं कि साथ में नहीं लगा रहे या ट्रैवल साथ में नहीं कर रहे। सो राइट नाउ वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन स्पाउस वीज़ा में नहीं चेंज हुए हैं, बट इन फ्यूचर वी कांट से। सो बिना देरी किए अपनी फाइल को अभी लगाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या हमारे ऑफिस विजिट करें।